माशाल्लाह हमारा स्पाइसी चिकन शवारमा रेडी हो गया है। बड़ा मजेदार बना है, बड़ा टेस्टी बना है और बाजार से भर के बना है। आप भी प्लीज जरूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा। शवारमा ब्रेड बनाने के लिए हम पहले सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ। एक पाव मैदा मैं छानने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह साफ हो जाता है ना, फिर कुछ भी नहीं निकला। नमक है हाफ चम्मच, बेकिंग पाउडर है हाफ चम्मच, एक चम्मच चीनी का है, ईस्ट है हाफ चम्मच, घी का एक चम्मच है। सबसे पहले मैं हाथ हाथ से मिक्स करूंगी, गुटलियां ना बने। पहले सबसे पहले शवारमे का आटा गूंद रही हूँ, फिर उसके बाद कीमे का बताती हूँ। हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा गूंदती हूँ। सॉफ्ट रखना आटा हमने। शवारमा ब्रेड का मैंने आटा गूंद लिया अच्छी तरह। अब मैं डोंगे में डाल के रखने लगी हूँ। नीचे घी लगा रही हूँ हल्का सा, और लगाना चाहे और भी लगा सकते हैं, घी लगाना चाहे घी लगा सकते हैं। ऊपर में ढकना दे दो, उतनी देर में हम कीमा, एक पाव से कम कीमा है हमारे शवारमे के लिए, बंद गोभी है, खीरा है, सब्ज मिर्च है, सिरका है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, कुटी मिर्च है, ये मैंने घर पे खुद तैयार की है, केचप है, अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट है, ये मायोनीज है, दो चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। अब मैं शवारमे का मेजा तैयार करने लगी हूँ। अब मैं चिकन डाल रही हूँ। इसमें चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर मैं दूसरे मसाले ऐड करूंगी। चलो देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ हाफ चम्मच, और थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। कीमे ने खुद ही पानी छोड़ देना है, इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करना। दो चम्मच में दही के डाल रही हूँ। सिरका डालने लगी, दो चम्मच सिरके के डालने लगी। स्पाइसी ही मैंने बनाना है शवारमा। चिली सॉस डालने लगी दो चम्मच। सो
सोया सॉस डाल रही हूँ। अच्छी तरह मैंने बनाना है, इसको अच्छी तरह खुशक हो जाएगा, तुम्हारा शुरबे का मेजा तैयार हो जाएगा। अभी कुटी मिर्च भी डालनी है। एक चम्मच कुटी मिर्च का डालने लगी। अब अच्छी तरह भून लें। हल्दी नहीं मैंने डाली। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, देखें शुरबे के लिए जो हमने कीमा तैयार किया था वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं थोड़ी गोभी डालने लगी हूँ, जो मैंने बारीक काटी थी बंद गोभी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़े मज़े का बना है हमारा कीमा शुरबे। अब मैं थोड़ी सी गोभी डालने लगी। हमारा आटा भी सेट हो गया जो मैंने शुरबे के लिए गूंदा था। अब मैं देखती हूँ, वो अब मैं शुरबे के लिए स्पाइसी सॉस बनाने लगी हूँ। एक चम्मच कूटी मिर्च का ले रही हूँ, काली मिर्च का हाफ चम्मच ले रही हूँ, गरम मसाला है हाफ चम्मच, नमक है हसबे जायका, इसको मिक्स कर लूँ, फिर केचप डालती हूँ। स्पाइसी हमने बनाना है शुरबा, बड़ा मज़े का बनता है। मैं दो से चम्मच में केचप के डालने लगी हूँ। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं शुरबे, ये बाजार से बढ़ के बनेगा। हमारा स्पाइसी तैयार हो गया सॉस। अब मैं पेड़े करने लगी हूँ। ये देखिए हमारा आटा मैंने गूंद लिया, सेट हो गया हमारा आटा, हमारा सेट हो गया था। अब मैं पेड़े बनाने लगी हूँ शुरबे के लिए। बिल्कुल साथ नहीं चिपका, ये देखे वैसे के वैसे ही पड़ा। निकलिए मैंने पेड़े बना के रखे थे वो सेट हो गए। अब मैं शुरबे में ब्रेड बनाने लगी हूँ। शुरबे में ब्रेड मैंने डाल दिया तवे पे। अब मैं देखती हूँ, आग मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए। अच्छी तरह हो जाए शुरबा ब्रेड। फूल बन रहे हैं। शुरबे का ब्रेड हमारा रेडी हो गया, ये देखे बिल्कुल तैयार हो गया हमारा, बन गया। अब मैं उतारने लगी हूँ।
शवारमा ब्रेड हमारा रेडी हो गया। अब मैं शवारमा बना रही हूँ, देखे कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए शवारमे वाला ब्रेड, अब मैं सॉस लगाने लगी हूँ। स्पाइसी बना रही हूँ, बड़ा मज़े का बनेगा। अब मायोनीज डालने लगी हूँ। अब कीमा डालने लगी, बंद गोभी भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैंने तो अंदर ही डाल दिए। दो खीरे रख रही हूँ लंबाई में कटे हुए। अब मैं थोड़ी सी केचप डालने लगी हूँ। मायोनीज भी थोड़ी सी डाल रही हूँ। अब मैं शवारमे को फोल्ड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह बंद करना है। शवारमा रेडी हो गया है। ये देखो मैंने बना के रखे हैं पहले से। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह हमारा स्पाइसी चिकन शवारमा रेडी हो गया है। बड़ा मज़ेदार बना है, बड़ा टेस्टी बना है और बाज़ार से भर के बना है। आप भी प्लीज़ ज़रूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा बना है। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो को देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।